हेलो फ्रेंड्स, दीपक नाइट्राइट के लिए बहुत बुरी खबर सामने आई है, जिसके कारण आज दीपक नाइट्राइट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और ये सब हुआ है गुजरात में वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो दीपक नाइट्राइट का प्लांट है उसमें कल बहुत ज़्यादा भयंकर आग लगने के कारण। फायर ब्रिगेड टीम के एक अनुमान है कि आग बॉयलर में हुए ब्लास्ट के बाद फैली होगी और आग की चपेट में आने के बाद दो और बॉयलर भी फट चुके होंगे, जिसके कारण लगभग 15 लोग घायल हो चुके हैं और लगभग 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट सारी कंपनी जिस इस तरह का बिजनेस करती है वो अपने बिजनेस को इंश्योर करवा करके रखती हैं, यानी कि उन्हें अगर ऐसा कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उनका पैसा दे देती है और वो रिकवरी हो जाती है। बट बात करें स्टॉक मार्केट की, तो इंस्टेंट जब इस तरह की न्यूज मार्केट में सामने आती है तो स्टॉक में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है, ऐसा हमने पास्ट में भी देखा था, लेकिन स्टॉक फिर रिकवर कर जाता है। इस तरह से कहीं स्टॉक या कंपनी बर्बाद नहीं हो जाती, स्टॉक सीधा जीरो नहीं हो जाता। इस न्यूज के चलते पैनिक होने की नीड नहीं है। अगर आपको ये स्टॉक नीचे गिरावट में मिलता है तो एक बेहतरीन फंडामेंटल अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपको अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा स्टॉक ऐड करने की। फ्रेंड्स, ये मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।